हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट शिक्षा। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल में देख चुका होगा कि आर्कनेट के बारे में बताया गया है कि किन्हीं लड़का को अगर कोई एम्प्लॉय है एयरलाइंस का और किन्हीं को मैरिज का कार्ड क्लेम करना है तो कैसे वो करते हैं, या फिर कि वैक्सीनेशन लिया है तो वैक्सीनेशन का बिल को कैसे क्लेम करते हैं, और जो भी है कोई बीमार पड़ गया है या फिर कुछ भी है तो उसका ESI से जो बिल या कुछ भी मिला है तो उसको क्लेम कैसे करते हैं। तो आज जानते हैं हम लोग ये दोनों तीनों बिल के बारे में, क्लेम करते कहाँ हैं कार्ड के बारे में। तो आइए चलते हैं, हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को एक बार आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग के लिए हम और भी ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहें। सो चलिए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं फिलहाल क्रोम ब्राउज़र से, वहीं से आप लोग को पूरा शुरू से अंत तक आप लोग को दिखाते हैं कैसे हम लोग अर्कनेक्ट से अपलोड करते हैं कार्ड, मैरिज कार्ड या फिर जो भी हो वैक्सीनेशन वाला बिल। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्रोम ब्राउज़र में। तो क्रोम ब्राउज़र चलिए ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र हो गया है ओपन। यहाँ से हम लोग टाइप करते हैं आर कनेक्ट। यहाँ से हम लोग टाइप करते हैं, तो हम मेरा यहाँ टाइप किया हुआ है, डायरेक्ट हमें आर कनेक्ट में आते हैं। अब यहाँ पे इसका लिंक शो कर रहा है arconnectreel.com, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही खुल गया। यहाँ पे आप लोग जो भी अपना एम्प्लॉय हैं उनका अपना आईडी और पासवर्ड आप लोग डाल सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ से लॉगिन कर दीजिए। ये लॉगिन हो गया, यहाँ पे आपका दिखा रहा है पीपल फास्ट वगैरह। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आर कनेक्ट में आना है और यहाँ क्लिक करना है। ये आप लोग का पूरा इस तरह से खुल जाएगा आर कनेक्ट, आप लोग का मेन प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप लोग को इसमें आना है लीव एंड अटेंडेंस, इसमें आना है। यहाँ से आप लोग को यहाँ पे आना है अदर बेनिफिट। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा होम टाइप से बना हुआ है, घर टाइप से यहाँ पे लिख रहा है अदर बेनिफिट। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को देखिए रिक्वेस्ट ओवरव्यू ये सब दिखा रहा है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको न्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा मैरिज गिफ्ट, एक्सीडेंटल लीव, इमरजेंसी मेडिकल लीव। तो यही सब हम आप लोग को बताए थे कि एक्सीडेंटल लीव या फिर मैरिज गिफ्ट का कैसे कार्ड अपलोड करते हैं। तो यहाँ से हम लोग आते हैं, यहाँ से अगर मैरिज का कार्ड अपलोड करना है जिसके लिए आप लोग को पैसा आता है लगभग 5,000 समथिंग, तो यहाँ से आपको मैरिज गिफ्ट में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है अपना कार्ड का जो भी रहता है, मैरिज डेट जब का रहे तो मैरिज डेट यहाँ पे कुछ है भी डाल सकते हैं, जैसे आपका जो कार्ड में रहेगा जो आप डेट में शादी करना रहेगा तो डाल सकते हैं, जैसे हम यहाँ कुछ भी डाल दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे भी नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ से जेंडर में सब भरा हुआ डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन में बिजनेस आर्टिकल, यहाँ पे एनालिटिकल एडवोक से आप लोग को बैंकर, ये सब कुछ नहीं, इंडियन बैंक सर्विसमैन, यहाँ से तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पे एक बार आप मैनेजर ही डाल सकते हैं या फिर मैनेजर ही डालिएगा ऑक्यूपेशन में। उसके बाद एजुकेशन में आइएगा, यहाँ पे मैनेजर डाल दीजिएगा, या नहीं तो एक बार आप लोग मैनेजर से पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे फील क्या करें। तो यहाँ से आप लोग मैनेजर डालिएगा और यहाँ से एजुकेशन में आप जहाँ तक एजुकेशन हायर रहेगा तो जहाँ तक करें, जैसे मेरा ग्रेजुएशन का है तो हम ग्रेजुएशन भी डाल सकते हैं, यहाँ से आप मैनेजर भी डाल सकते हैं। मैनेजर कहाँ गया ऐसा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोग को डालना है, आप लोग जो भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट फाइल, तो यहीं आप लोग को अपलोड करना है फोटो, तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं कैसे अपलोड करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है अटैचमेंट करने के लिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस का साइन में। अब जहाँ पे आप लोग सेव रखे होंगे वहाँ से आप लोग यहाँ से
खोल के ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप जो फाइल फोल्डर में जो सेव किए होंगे नाम से। तो चलिए हम अभी सेव किए हैं एक लड़का का नाम से, कार्ड है किशोरी मुकेश नाम करके, उसको हम डाल के देखते हैं। वैसे तो यहाँ अभी आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा शो हो रहा है शादी कार्ड ऑफ मुकेश। यहाँ पे इसको टच करेंगे, ओपन करेंगे, तो देखिए ये यहाँ पे बता रहा है 100% कम्प्लीटेड। तो इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। तो आप लोग को देखिए यहाँ पे दिख रहा है इस टाइप से अपलोड, उसके बाद ओके, उसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, तो हो जाएगा। फिलहाल अभी हमको हुआ नहीं है शादी, तो हम नहीं करेंगे। बाकी बात आप लोग को हम बताने के लिए बस ये बता रहे थे। तो यहाँ से हम फिलहाल कैंसिल करते हैं, डिलीट फाइल आ गई, तो इसको करते हैं कैंसिल, हम कर दिए। इस तरह से किया जाता है। बाकी बात वैक्सीनेशन वाला अगर करना है, तो वैक्सीनेशन वाला के लिए आप लोग को यहाँ से नहीं है, यहाँ से आप लोग को यहाँ से 3 ही दिया हुआ है न्यू रिक्वेस्ट में। देखिए एक्सीडेंटल वाला है और मेडिकल लीव, तो यहाँ से नहीं है। उसके लिए आप लोग को दूसरा जगह से है, अगर कोई वैक्सीनेशन कराए हैं और उनको क्लेम करना है, तो यहाँ से आप लोग पहले यहाँ पे होम बटन में आना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पे रोल रिजर्वेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फीस में आना है रिजर्वेशन में, उसके बाद यहाँ पे आना है जनरल रिसेवमेंट में, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए हम क्लेम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट शो कर रहा है 385। ये देखिए यहाँ पे आप लोग को न्यू क्लेम करना है, तो यहाँ पे आप लोग को इसमें आना है नीचे, यहाँ पे एरो दिख रहा है न्यू क्लेम का, न्यू क्लेम में आना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा, देखिए यहाँ सब लिखा हुआ है, और भी आप कुछ भी कम सब यहाँ पे कर सकते हैं क्लेम। हॉस्पिटलाइजेशन का है, होटल का है, नेगेटिव केसेस का है, वैक्सीनेशन एक्सपेंस। तो आप लोग को वैक्सीनेशन एक्सपेंस करना था, आप लोग को वैक्सीनेशन एक्सपेंस में जाना है। देखिए मेरे यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ के बाद आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करिएगा, उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंस में डालिएगा, अपना नाम डालिएगा, आपका नाम यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सा डोज आप लिए हैं वो शो करिए, वो टच कीजिएगा। उसके बाद जो आप रिसीविंग लाए होंगे उसका बिल नंबर होगा, उसमें बिल डेट होगा, क्लेम अमाउंट कितना का था बिल में देख लीजिएगा। बस रिमार्क्स में लिख देना है बूस्टर डोज या फिर कोविड का थर्ड डोज, उसके बाद सेव कर देना है और सबमिट कर देना है, बस यही है। तो मेरा अभी हो गया है, तो हम सबमिट नहीं करते हैं फिलहाल, हम कैंसिल कर देते हैं। तो यही था आज का वीडियो, तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा मेरा फ़ोन ऊपर हो गया था, देखिए तो हम फिर से बता दे रहे हैं कि यहाँ पे न्यू क्लेम में जाइएगा, यहाँ पे वैक्सीनेशन एक्सपेंस में ओके कीजिएगा इसका। तो देखिए ये सब सारा आपको खुल जाएगा, ये सब आप डालिएगा अपना नाम या फिर पापा लिए हैं पापा का नाम। उसके बाद यहाँ थर्ड डोज जो डोज रहेगा वो सिलेक्ट कीजिएगा, बाकी बात यहाँ सब नॉर्मल है भर लीजिएगा। तो यही है, तो आशा है कि आप लोग को मेरा वीडियो सही तरह समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर देखने के लिए।